मामा आप तक आए हम। तुम हमारे गवर्नमेंट काम करो, तुम पब्लिक के टैक्स के जरिए दे, हम तुम्हारा आवाज नहीं सुनते, तुम हमारा आवाज सुनो। टैक्स पेड रसीद बताओ बोले तो बता दिए, इसके बावजूद भी जो है ना उन्होंने फाइन लगा के गए 200 से लास्ट 500 के अंदर मार दिए तो बहुत हो गया। लाइसेंस बनाने दिए बोले तो अभी जो है ना 2000 का ग्राहक नहीं करे उनको 2000 रुपए देना पड़ा हमारे पास। दुकान को जाना, वहीं से फीस लेना, वहीं से लाइसेंस इशू करना। जो है ना टैक्स पेड रसीद बताओ बोले तो बता दिए, हमारा जो है ना पेड हुआ सो है दुकान का, इसके बावजूद भी जो है ना उन्होंने फाइन लगा के गए जो है ना लाइसेंस बताओ बोल के, लाइसेंस बनाने दिए बोले तो अभी जो है ना उन्होंने माने नहीं मेरी बात को, इसके अलावा भी उन्होंने जो है ना 2000 रुपए फाइन मार को गए मेरे को, दुकान वाले को। ऐसे छोटे मोटे दुकाना को 2000 रुपए फाइन दिए तो क्या होगा इसका हाल? ये रसीद है मेरे पास, आज की रसीद है, और दूसरे लोगों को भी दे रहे हैं उन्होंने फाइन मार रहे हैं, हालांकि बोल रहा हूँ मैं लाइसेंस बनाने दिए बोले तो मानने को तैयार नहीं उन्होंने। चलो भाई ये 2000 रुपए कहाँ से भरेंगे, 200-300 रुपए बोले तो फाइन, दुकान पे धंधा नहीं होता हमारे पास। ये हमारे को आज 2000 का फाइन मारे लाइसेंस नहीं है बोल के, वही लाइसेंस हमारे को बना के दिए तो इतना जरूरत ही नहीं पड़ती थी हमारे को, 2000 की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, 2000 का ग्राहक नहीं करे उनको 2000 रुपए देना पड़े हमारे को आज। ये इतना अच्छा ये चीजा है, देखो जब कजरी बोलो तो बोलता बना को दिए तो खाता भी था, लाइसेंस को लिए बोलियो हम, हमारा एक दोस्त है उन्होंने बना को ला के दिए तो मुझको बोले वो नहीं दिया, अभी लाएंगे 2-4 दिन में। आके कारपोरेशन वाले 2000 रुपए हर दुकान को फाइन मार दिए, हर दुकान में पूरे दुकान बंद करने लगा, डर के बंद करे, 2000 रुपए फाइन मारे तो वहाँ के काम करने वाले लेबर आदमी सेट नहीं रहे तो भी क्या है, लेबर आदमी को पूरा माल बिल उठा के करके डर के क्या है, लेबर आदमी दुकान बंद करके गए, 2000 रुपए फाइन मारे आज सुबह में, आज पूरा शनिवार का दिन था, पूरा दुकान बंद कर दिए, पूरा इधर उधर सब लेबर लोग भाग के गए, पूरा लॉस हो गया आज का दिन में, क्या है क्या नहीं, 2000 रुपए फाइन मार दिए इनको सबको, हर दुकान वाले को क्या है मालूम, 200 रुपए 200 से लास्ट 500 के अंदर मार दिए तो बहुत हो गया उनका फाइन मारने का चार्ज, 2000 रुपए फाइन मारे, 4 दिन काम करे तो लेबर आदमी का पगार 4 दिन 2000 रुपए नहीं है, क्या है तरीका गलत है साहब। ये देखो साहब कारपोरेशन वाले हमारे दुकानों को आकर सबको 3-3 हजार रुपए फाइन मारे, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा हमारे को किसने मारे फाइन, अगर हम लाइसेंस वो लोगों को लाइसेंस की था ये है तो आके दुकान पर पैसे लाइसेंस देना, डायरेक्ट इशू करना इधर ही दुकान पर स्पॉट पर, और उसके अलावा उन्हें लोगों ऑफिस को गए तो 1000 नमूने के कागजा मांगते हैं और वो ये कागज ले रहे तो भी हमारे को लाइसेंस देते नहीं, चुप्पी फिराते हमारे को ऑफिस में, हमारे को दुकान छोड़ के आने नहीं होता और ऑफिस को फिरना नहीं होता, सीधा कारपोरेशन सीधा डायरेक्ट दुकान को जाना, वहीं से फीस लेना, वहीं से लाइसेंस इशू करना, हमारे ये मांग है। अभी मोटर वजह जो है थोड़ा बाहर है बोल के, मोटर थोड़ा रोड पे है बोल के मोटर लेके लिए वो लोग 3000 रुपये फाइन, मैं सही बात कह रहा हूँ 3000 रुपये फाइन मारे, जो चुप बैठ रहे हैं उनको 1000-2000 फाइन मारे, नहीं भाई एक सिस्टम बनाओ, कानून है ना हम भी मानते हैं कानून को, सिस्टम से काम करो, हाँ पहले एप्लीकेशन दियो, एप्लीकेशन ठीक है भाई उन्होंने बोले एप्लीकेशन देखे सब देखे देखे टैक्स नहीं भर रहे वो नहीं भर रहे, मान लिया हम बात को, मगर एक तरीका रहता, तरीके से काम करो, सामान उठा के ले गए तो होता, सामान उठा के ले जाने का तरीका नहीं है ये, हाँ मैं मान लिया 3000 रुपये फाइन मारने के बाद दिए, फाइन भी एक लिमिट से रहता, 3-3 हजार रुपये फाइन बोल तो कहाँ से लाना गरीब आदमी, रोड पे बैठ को धंधा करने वाले, थोड़ा बहुत रोड पे सामान देखो हर किसी का कॉमन है, गरीब आदमी थोड़ा बहुत रोड पे आके काम करता धंधा करता, तुम उसको भी तुम उसको 3-3 हजार रुपये फाइन मारेंगे तो 3000 उसकी कमाई है दिन की, 3000 कमाई नहीं है उसकी दिन की।